खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं नफीसा। खबरों पर जाने से पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। कमरेज सिंह को नहीं मिला बेल, गए जेल। कोर्ट ने भगोड़ा करार देते हुए किया था वारंट निर्गत। बीसीसीएल खदानों की सुरक्षा को लेकर इन मोसा ने प्रबंधन के खिलाफ निकाली रैली, दिया अल्टीमेटम। भारतीय रेलवे समय समय पर दिखाती है मानवता। और अंत में बांग्ला और उर्दू की उपेक्षा को लेकर झारखंड बांग्ला यूनियन समिति ने फूंका आंदोलन का बिगुल। पूर्व मंत्री व झारखंड के चर्चित नेता समरेश सिंह को धनबाद कोर्ट ने रवि भगत हत्याकांड को लेकर आंदोलन मामले में नहीं दिया बेल और जाना पड़ा जेल। जी हां, समरेश सिंह की पॉलिटिकल दहाड़ यानी संघर्षपूर्ण पॉलिटिकल जीवन से शायद ही कोई वाकिफ न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी व्हील चेयर पर रहते उन्हें जाना पड़ा जेल, क्योंकि कोर्ट से निर्गत था वारंट। यह संजोग ही कहा जाए कि जिस केस में उन्हें जेल जाना पड़ा उस मामले में उनके साथी अन्य अभियुक्त बरी हो चुके हैं। यह भी संभवतः बरी हो जाते पर निर्धारित तिथि को किसी कारणवश कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके थे। कोर्ट ने भगोड़ा करार देते हुए पूर्व मंत्री समरेश सिंह को वारंट निर्गत किया था। अब आपको बताते चले कि रवि भगत हत्याकांड को लेकर गोविंदपुर NH2 को समरेश सिंह ने अपनी पॉलिटिकल दहाड़ के तहत अपने समर्थकों के साथ जाम किया था। साथ ही सरकारी कार्यों में बाधा का भी आरोप लगाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। यह मामला था वर्ष 94 का। इसी मामले में समरेश सिंह अपने वकील को लेकर धनबाद न्यायालय पहुंचे थे और बेल की अर्जी लगाई, पर जज ने अर्जी याचिका खारिज करते हुए जेल का रास्ता दिखा दिया। व्हील चेयर पर उन्हें जेल जाना पड़ा पर उनके चेहरे पर पूर्व की भांति शिकन नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि उनका जीवन ही आंदोलन को समर्पित है। यह अलग बात है कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में इलाजरत रहना पड़ेगा। बहरहाल उनकी पॉलिटिकल जेल से वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों और पत्नी शोक के बाद उनकी दहाड़ सुनने को नहीं मिल रही है। साल से ऊपर का केस में सब बरी हो गया। हम उस दिन नहीं आ पाए थे, उसी का वारंट है। कब का मामला है ये? 92-94 का। क्या मामला था? केमिकल कहीं प्रदर्शन कर रहे थे और क्या, हमारा का मर्डर का होगा, बलात्कार का होगा तो है नहीं। पॉलिटिकल केस है और जो एक धारा लगाता सरकारी केस, सरकारी कार्रवाई में बाधा। मतलब 383 हो रहा है, हम नहीं चल पा रहे हैं। एक सहायक चाहिए या फिर व्हील चेयर चाहिए, ये देखते हुए भी उन्होंने कर दिया, ठीक है। लेकिन एक दिया है प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। वो नहीं आए थे 375/2005 जो है उसमें स्टेटमेंट में नहीं आती, इसीलिए वारंट हुआ। तो उसी केस में तो बेल टूट गया था, तो आज उनको जेल भेज दिया गया। मैंने किस कोर्ट में प्रोसीक्यूट हुए थे? जज कोर्ट में। तो ये मामला मैंने रोड जाम का था। अब उसको पूरा डिटेल्स हम देखते हैं, आपको फाइलें के साथ बता देते हैं। दो मिनट, मैंने बेल टूटने की वजह से जेल जाना पड़ा। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया होगा कि स्वास्थ्य इनके खराब है, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं, क्या ऑर्डर किया है। स्वास्थ्य पर भी कोई तरस नहीं खाया था। अभी देखिए कोर्ट। BCCL की खदानों में माइनिंग सरदार एवं ओवरमैन की भारी कमी के मद्देनजर इन मोसा ने निकाली रैली और अपनी पीड़ा से कंपनी के अधिकारियों को अवगत कराया। बस्ताकोला कार्यालय से रैली निकलकर क्षेत्र संख्या 9 के विकास भवन तक गई, जहां महाप्रबंधक को स्मारक पत्र दिया गया। स्मारक पत्र के अनुसार सुरक्षा मानकों को BCCL प्रबंधन ने पूरा नहीं कर पा रहा है, परिणाम स्वरूप दुर्घटना में वृद्धि, जीवन की हानि व गंभीर चोट के मद्देनजर माइनिंग सरदार व ओवरमैन जिम्मेवार नहीं होंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खेल मौसा जिंदाबाद, जिंदाबाद, खेल मौसा जिंदाबाद, 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 ट्रस्ट प्रबंधन हाय हाय, हाय 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 हाय, ट्रस्ट प्रबंधन हाय हाय, हाय 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 हाय, ट्रस्ट प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ट्रस्ट प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यहाँ बस्तक गोला क्षेत्र संख्या 9 बीसीसीएल के जो क्षेत्र में जाते हैं उसका हम लोग इन मौसा की तरफ से एक प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ घेराव कर रहे हैं। जो कंपनी ने एक अष्टगर ड्रेस का फरमान फैलाया है ये बहुत ही बुरा है और इससे माइंस में जो काम होती है जो सुरक्षित ढंग से काम किया था उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अष्टगर ड्रेस देने के बाद हमारे यहाँ जो माइंस शटल ओवरमैन की संख्या है वो ऐसे ही बहुत कम है और अष्टगर ड्रेस कर देने के बाद जो हम लोग सुरक्षित ढंग से माइंस का जो देख रेख करते हैं उसमें और कमी आएगी, जिसके कारण माइंस में एक्सीडेंट होने की संभावना है, माइंस में फाइडल हो सकता है। हम लोग अपने उच्च प्रबंधन से यही मांग करते हैं कि माइंस एक्ट का उल्लंघन न होने दें और माइंस एक्ट में जो लिया हुआ है वो कानूनन तौर पर उसको काम को सुचारू ढंग से करने दें। हम लोग यही डिमांड पत्र एक ज्ञापन पत्र है जो कि हम लोग अपने जनरल मैनेजर को सौंपने के लिए आए हुए हैं बस्तक गोला एरिया के, इसीलिए हम लोग सभी माइनिंग शदार ओवरमैन बस्तक गोला एरिया 9 के इसलिए भी सभी सम्मिलित हैं। परिचय मैं शिवशंकर महतो एरिया सेक्रेटरी बस्तक गोला एरिया 9। भारतीय रेलवे समय समय पर दिखा रही है मानवता। जी हाँ, पूजा स्पेशल ट्रेन के बाद अब परीक्षा स्पेशल ट्रेन की भी हो गई शुरुआत और वह भी छात्रों की सुविधा अनुसार ट्रेन का हुआ परिचालन, यानी निर्धारित समय में भी स्थिति के मद्देनजर किया गया परिवर्तन। अब आपको लिए चलते हैं क्यों और कब खुली परीक्षा स्पेशल ट्रेन, साथ ही निर्धारित समय में क्यों हुआ परिवर्तन। तो सुनिए, 10 दिसंबर रविवार को इंडिया रिजर्व बटालियन की परीक्षा थी। परीक्षा में भाग लेने परीक्षार्थी बिहार से काफ़ी संख्या में धनबाद आए थे। इसी भीड़ के मद्देनज़र धनबाद से पटना के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई, जिसका समय परीक्षा की समाप्ति के पश्चात समय का निर्धारण हुआ दिन में 2 बजे। पर टिकट काउंटर पर परीक्षार्थियों की अत्यधिक भीड़ देख ट्रेन के समय में तत्काल प्रभाव से परिवर्तन किया गया और अतिरिक्त कोच भी लगाया गया। निर्धारित समय 2 के बजाय ट्रेन सभी परीक्षार्थियों के बैठ जाने के बाद 3:15 बजे अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान की। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म पर RPF व स्काउट एंड गाइड के सदस्यों को तैनात किया था। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए मची आपाधापी को आप KNews के कैमरे से देख सकते हैं। Yeah.
सर ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जो स्पेशल ट्रेन चला जा रही है इसके बारे में बताइए। ये हम लोगों ने पिछले बार भीड़ देखा था, बहुत अत्यधिक भीड़ थी, इसके चलते हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। 22 कोच का हम लोग डेक चलाए हैं, इससे परीक्षार्थियों को काफ़ी सुविधा होगा और यहाँ से ये गाड़ी खुल के गोमो, हजारीबाग, कोडरमा, गया, जहानाबाद होके पटना जाएगी। इसमें बहुत यात्री, बहुत परीक्षार्थी निकल जाएंगे और जिससे और हमारी जो ट्रेनें हैं उसके यात्रियों को सहूलियत होगी। समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के न्यूज जल्द ही नए तेवर नए अंदाज में, जल्द ही आप देखेंगे 24 घंटे। अब रहेगी हमारी नज़र कोयलांचल की हर खबरों पर। आवश्यकता अनुभवी वीडियो एडिटर, न्यूज एंकर, रिपोर्टर और मार्केटिंग प्रतिनिधि। मिलने का समय रविवार 11 बजे से 2 बजे तक। हमारा पता है 4x4 फोर्थ फ्लोर, आस्था तारा मेंशन, पॉलिटेक्निक रोड, नियर कॉर्मल स्कूल, धनबाद, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। मोबाइल रिपेयरिंग में है अच्छी कमाई, आज सीखें कल कमाएं। जब मोबाइल हो नई तकनीक का तो पुरानी तकनीक से कैसे बनेगा। चाइनीज टेक्नोलॉजी से मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखें। डिस्काउंट ऑफर, एडमिशन ओपन, डेमो क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, टाइम 9 AM। जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल या मिस्ड कॉल 07079955520। हमारा पता है टी केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अनिला मेंशन, फर्स्ट फ्लोर, हूस बंगलो, नियर शालीमार बालू डोली, झरिया सिंदरी रोड, धनबाद। क्या आप बनना चाहते हैं टीवी रिपोर्टर? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का आईना? क्या आप दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा? क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी पहचान? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का प्रहरी? क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड की आवाज? अगर आप में है वो क्षमता और जज्बा समाज हित में कुछ कर गुजरने का, तो आवेदन युक्त बायोडाटा वह 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में करें संपर्क। हम आपको देंगे आपकी पहचान का एक प्लेटफॉर्म। संपर्क करने के लिए आप आएं प्रातः 11 बजे। हमारा पता है 4x4 फोर्थ फ्लोर, आस्था तारा मेंशन, पॉलिटेक्निक रोड, नियर कॉर्मल स्कूल, धनबाद, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। आपके शहर जामाडोबा रमजानपुर में सजा है बाबा सुहेल साबरी का दरबार। खानकाह साबिरिया दरबार में मन्नतें होती हैं पूरी, दुआ और दवा से होती है रूहानी व जिस्मानी इलाज। अगर आप भी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से है परेशान तो उसका है मुकम्मल समाधान, एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है बाबा सुहेल साबरी चिश्ती, खानकाह साबिरिया, जामाडोबा, रमजानपुर, धनबाद, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9955487549 और 8271630505। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मानवाधिकार नाम से अनेक संगठन संचालित हैं, बावजूद मानवाधिकार यानी मानव का अधिकार का हो रहा है हनन। प्रायः देखा जा रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर रैलियां निकालकर ऐसे संगठन मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब आपको दिखाते हैं मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की रैली। इस संगठन ने 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर धनबाद शहर में रैली निकाली। उद्देश्य था लोगों को मानव के अधिकार के प्रति जागरूक करना, पर अन्य मानवाधिकार संगठन का तो आता पता भी नहीं दिखा। इस संगठन ने सिटी सेंटर से रैली निकाली। रैली रणधीर वर्मा चौक पर जाकर सभा में परिणत हो गई। सभा में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के लोगों ने मानव को मानवाधिकार के प्रति क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। एक
विश्व मानवाधिकार अधिकार के अवसर पर आयोजित रैली में दी जाने वाली मुख्य वक्तागण है आपके बीच मानवाधिकार से जुड़े हुए विषयों पर जानकारी देंगे तथा आप इससे लाभ उठाएं न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को भी आज इस शुभ मेला पर हार्दिक नमन करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक 10 दिसंबर 1948 को विश्व स्तर पर मानवाधिकार की नींव रखी गई थी एवं बहुत सारे मनुष्यों के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए थे और उन कानूनों का संरक्षण हर देश में किया जा रहा है, परंतु अभी वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे क्षेत्रों में मानवाधिकार का हनन तीव्र गति से बढ़ रहा है। लोग अपने अधिकार के प्रति सचेत नहीं है, लोगों को मानवाधिकार की जानकारी नहीं है, उसका नियम कानून का जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में लोग हर क्षेत्र में न्याय पाने से वंचित रह जा रहे हैं। BCCL की आग ने धनबाद रेलवे को बुरी तरह किया है प्रभावित। ट्रेनें हो रही हैं लुप्त, हो रहा है आंदोलन और BCCL है कि चाहे जो हो कोयला को निकाल कर ही रहेंगे। इसके लिए जो कदम क्यों न उठाना पड़े, मानव जीवन अनमोल है कि उक्ति को चरितार्थ कर BCCL कोयला निकालने में जी जान से लगा है। चाहे खदानों में सुरक्षा व्यवस्था की हालत लचर क्यों न हो, खदान बंद हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके लिए आउटसोर्सिंग यानी शॉर्टकट तरीके को ही क्यों ना अपनाना पड़े और इसी तरीके को ज़्यादातर अपनाया जा रहा है। इसके लिए लोगों का घर द्वार क्यों ना उजाड़ना पड़े, क्यों ना सारी सुविधाओं से आम लोगों को वंचित होना पड़े। पिछले दिनों केंद्रीय कोयला सचिव के बयान की मानव जीवन अनमोल है, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद करना जरूरी है क्योंकि नीचे लगी है आग, कभी भी धंस सकती है जमीन और समा सकती है ट्रेन, यह एक बहाना है, असल मकसद तो कोयला निकालना है। कोयला सचिव के बयान के बाद कोयला अंचल में रेल लाओ धनबाद बचाओ आंदोलन शुरू हो गया है। मोर्चा संभाला है शकुंतला मिश्रा ने, आइए देखते हैं धरना के माध्यम से हुआ है आंदोलन का श्री गणेश। यही बात धनबाद 26 जोड़ी ट्रेनों को वापस दिलाने के लिए क्या कुछ मांगे हैं इसके अलावा 26 जोड़ एक ही हम लोग का मांग है कि 26 जोड़ी बंद हुई है उसको वापस लाए, हम लोग विशेष कुछ मांग नहीं की है, हमारा जो है वो तो वापस कर दें, यही डिमांड के लेकर के आज हम लोग और धारणा दे रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार किसके नाम? हमारे CMT है, हमारे रेल के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं जो यहाँ से गलत ढंग से प्रेजेंटेशन दिए हैं और गलत ढंग से प्रेजेंटेशन का देने का सबसे ज्यादा हम लोग देते हैं, धनबाद दे रहे हैं और भुगत हम लोग आम जनता भुगत रही है, बच्ची लोग जो स्कूल आती है धनबाद वो बंद हो गया है और यहाँ से जो रांची जाना है बनांचल एक्सप्रेस से लेकर के सारा सांसद महोदय से निवेदन करती हूँ कि ये बात को तुरंत तत्काल उठाए और वापसी ट्रेन के लिए वो पहल करते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो आंदोलन के लिए अगर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें आके साथ दे और कहीं रुकने का प्रयास ना करें। ठीक है, आंदोलन देखिए सरकार अहंकार में इससे जनता उन्नाव से कोई सरोकार नहीं रह गया है, आज आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये आम लोग हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन यहाँ पर छात्र बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं, मजदूर बैठा है, किसान बैठा है, सब लोग इस पर से परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े जनमानस की भावना को सरकार को आदर करना चाहिए। सरकार का काम है जनता का ध्यान रखना, ना कि व्यवसाय करना। अभी तो हम लोग आंदोलन अभी प्रथम चरण में आंदोलन चल रहा है, कतरास में भी लोग कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये धनबाद का मसला नहीं है, इसको दिल्ली से हम लोग को लड़के लाना हो और दूध की लड़ाई है, इसलिए अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हम लोग रणनीति बना रहे हैं, आज
हम लोग पहला धरना पे हम लोग सब जुटे हैं, एक अपना मतलब हम लोग विचार रख रहे हैं कि देखिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग आम आदमी बोलबंद हो रहे हैं और धीरे धीरे और इसके संक्रमण बढ़ते जाएंगे। ईसीएल की बैजना 29 नंबर कोलियरी में दो दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। यह आयोजन UCWAITUC ने किया। संस्था के कमल बनर्जी की अध्यक्षता में धरना का कार्यक्रम है। आपको बताते चलें कि धरना प्रदर्शन ईसीएल प्रबंधन की ढुलमुल एवं मजदूर हित के खिलाफ है। 15 सूत्री मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। टाइगर ढोलू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर ढोलू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तक दुनिया जिंदाबाद। आज ही तक घरे से निकले। कहाँ जी खत्ता से बाहर फिर गए। किस बैनर के तरह और किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए इसमें 15 सूत्री मांग है हमारे और हम समझते हैं कि जो मुगमा एरिया का जो स्थिति अभी है तो इसमें हम लोग कहने का है कि भाई आप 15 सूत्री मांग है हमारे और हम समझते हैं कि जो मुगमा एरिया का जो स्थिति अभी है तो इसमें हम लोग कहने का है कि भाई आप ऐसे कीजिए कि नौटंकी करके नाटक ऐसे मत कीजिए कि मजदूर को ठगने का काम जो आप कर रहे हैं चारों तरफ, कि आप कोल को जो प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में जो है कहीं ना कहीं अनदेखी जो कोयला चोरी हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अनदेखी करके आप प्रोडक्शन और अपना बचाने के खातिर ये चोरी जो है आप अपना कराएं। सेफ्टी ये एक मिनिमम चीज कैपलेम जहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लोग अंडरग्राउंड चले जाने के बाद दिख नहीं पाते हैं, तो कभी ना कोई दिन ऐसा खतरा बन सकता है कि उसमें जान भी जा सकता है। इसको ये भी रोकने का खातिर हम लोग जो है 15 मार्च मांग सूची दिए हैं। समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के न्यूज जल्द ही नए तेवर नए अंदाज में, जल्द ही आप देखेंगे 24 घंटे। अब रहेगी हमारी नज़र कोयलांचल की हर खबरों पर। आवश्यकता अनुभवी वीडियो एडिटर, न्यूज एंकर, रिपोर्टर और मार्केटिंग प्रतिनिधि। मिलने का समय रविवार 11 बजे से 2 बजे तक। हमारा पता है 4x4 4th फ्लोर आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। मोबाइल रिपेयरिंग में है अच्छी कमाई, आज सीखें कल कमाएं। जब मोबाइल हो नई तकनीक का तो पुरानी तकनीक से कैसे बनेगा? चाइनीज टेक्नोलॉजी से मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखें। डिस्काउंट ऑफर, एडमिशन ओपन, डेमो क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, टाइम 9 AM। जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल या मिस्ड कॉल 07079955520। हमारा पता है टी केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अनिला मेंशन फर्स्ट फ्लोर, हूस बंगलो नियर शालीमार बालू डोली, झरिया सिंदरी रोड, धनबाद। क्या आप बनना चाहते हैं टीवी रिपोर्टर? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का आईना? क्या आप दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा? क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी पहचान? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का प्रहरी? क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड की आवाज? अगर आप में है वो क्षमता और जज्बा समाज हित में कुछ कर गुजरने का, तो आवेदन युक्त बायोडाटा व 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में करें संपर्क। हम आपको देंगे आपकी पहचान का एक प्लेटफॉर्म। संपर्क करने के लिए आप आए प्रातः 11 बजे। हमारा पता है 4x4 4th फ्लोर आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com।
आपके शहर जामाडोबा रमजानपुर में सजा है बाबा सुहेल साबरी का दरबार। खानकाहे साबिरिया दरबार में मन्नतें होती हैं पूरी, दुआ और दवा से होती है रूहानी व जिस्मानी इलाज। अगर आप भी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से है परेशान तो उसका है मुकम्मल समाधान, एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है बाबा सुहेल साबरी चिश्ती, खानकाहे साबिरिया जामाडोबा रमजानपुर धनबाद झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9955487549 और 8271630505। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गोविंद सिंह महाराज का जन्म सती आगामी 22 से 26 दिसंबर तक पटना सिटी में धूमधाम से आयोजन की तैयारी है। इसी तैयारी का जायजा के संदर्भ में सिख वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आइए देखते हैं क्या है तैयारी। आयोजन हुआ था उससे कहीं अधिक, क्योंकि विश्व स्तर का आयोजन होने जा रहा है जिसमें करीब 40,000 ऐसे टेंट बनाए गए हैं जो वातानुकूलित है और उसमें कोई हार्ट पेशेंट है, मैंने मेरे कहने का मतलब वहाँ पर आईसीयू की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला और उर्दू को कोयलांचल विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में उपेक्षा को लेकर झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने आंदोलन का बिगुल फूंक डाला है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आंदोलन के प्रथम चरण में धरना देकर अपना विरोध जताया। धरना के माध्यम से 4 सूत्री मांग रखी जिसमें सभी सरकारी विद्यालयों में बांग्ला उर्दू का नियमित पठन पाठन शुरू करने, किताब निःशुल्क वितरण करने, विश्वविद्यालय में बांग्ला उर्दू को शामिल करने और +2 शिक्षक नियुक्ति में बांग्ला उर्दू को शामिल किया जाना है। वर्मा चौक में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से जो हम लोग बैठे हैं, झारखंड में आपका कोयलांचल जो विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास मुख्यमंत्री की है उसमें बांग्ला और उर्दू को शामिल नहीं किया, 10+2 का जो शिक्षक नियुक्ति है उसमें भी बांग्ला और उर्दू को शामिल नहीं किया। झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाले ये भाषा के साथ इस तरह का अगर अन्याय करेगा तो सरकार को जवाब देना होगा। आज छात्र छात्राएं सड़क पर आए हैं, कल जरूरत पड़ेगा तो सरकार का विरोध हम लोग आंदोलन करने को लिए मैंने कटिबद्ध हैं। सरकार समय है, समय रहते हुए जो हम लोग आज मांग कर लिए हम लोग रणधीर वर्मा चौक में बैठे हैं, इसमें हम लोग उपायुक्त और DC को मुख्यमंत्री को हम लोग पत्र लिख रहे हैं। गरीबों के लिए हेल्थ यूनिट का शुभारम्भ किया गया है। शुभारम्भ किया है द जेनेसिस सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नामक NGO ने। इस यूनिट का ज्ञान मुखर्जी रोड धनबाद में स्थित मारुति नर्सिंग होम में शुरुआत किया गया है, जहां वैसे मरीजों का इलाज होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर। NGO आज शुरू हुआ है मारुति नर्सिंग होम को लेकर के, जहां ये लोग का जो प्रोजेक्टा है समूचा पेशेंट मरीज को कम पैसा में इलाज करना, जिसका बहुत जरूरी है। हम एक बहुत बड़ा अस्पताल में अटैच है और हम फील करते हैं कि गरीब लोग को बहुत कम पैसा में होना चाहिए एंड हम सबका सक्सेस करते हैं। नाम डॉक्टर एस के दास है, मेडिकल डायरेक्टर असरपी हॉस्पिटल। इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद ने वार्षिक इंटर स्कूल डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। Stand here magnanimously supporting the motion. Online shopping is that glorious invention which helps us. ये एक एनुअल इंटर स्कूल डिबेट है जो हम लोग हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ धनबाद आज 17 ईयर्स से ये डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसका मेन पर्पस यही होता है कि सब बच्चों में कुछ कुछ हुनर होता है तो इस हुनर को निकालने के लिए ये एक हम लोग उनको प्लेटफॉर्म देते हैं और ये इतना वेल लुक्ड अप है कि इसके लिए हर साल स्कूल्स इंतजार करते हैं। खबरों के सफर में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए के न्यूज़ के पूरी टीम को इजाजत। हमारा पता है 4x4 4th floor आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com।